Alright guys, this is Sorry TV and you're watching the Sorry Reviews. This is Tadkeela Bhadkeela Rangeela, wo hai Amar Singh Chamkeela. Yes. So basically movie aa rahi hai with the name called Chamkeela. Nahi, Amar Singh Chamkeela. Wo pura naam hai, movie ka naam Chamkeela hai. Theek hai. और Netflix पे possibly ये सिर्फ OTT release होगा. हाँ, क्योंकि अभी इसका जो trailer आया है वो Netflix पे release हो रहा है. नहीं, मूवी भी 12 अप्रैल को प्रीमियर हो जाएगी नेटफ्लिक्स के ऊपर. ठीक है, पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं. इसमें जो कास्ट है, दैट इज दिलजीत दोसांझ एंड परिणीति चोपड़ा. तो मैं आपको ना स्टोरी बताती हूँ जो मैंने ना एक इंटरव्यू था दिलजीत का, उसमें सुनी थी कि जो कॉन्सेप्ट, जो आइडिया था ना अमर सिंह चमकीला जी के ऊपर मूवी बनाने का ना, वो दिलजीत का था. नहीं, हाँ वो दिलजीत का था. तो ऐसा हुआ कि दिलजीत को, दिलजीत वॉज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट वेयर व्हेन इम्तियाज अली रीच्ड दिलजीत की, यार हम एक मूवी बना रहे हैं चमकीला, एंड ही सेड दैट हमसे बेटर हम पंजाब के, हमसे बेटर चमकीला को कौन जानेगा. yes. तो उन्होंने एक मूवी बनाई जो कभी रिलीज नहीं हुई. ठीक है, आई डोंट नो, कोविड के टाइम की टेक्निकल डिफिकल्टीज, बहुत सारी चीजें होती हैं. ठीक है, बट उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि जो इम्तियाज अली की विजन थी ना, इम्तियाज अली इज अ ग्रेट ग्रेट डायरेक्टर, मतलब ही इज वन ऑफ द माइंड बिहाइंड, कौन सी मूवी थी वो, रॉकस्टार सॉरी. हाँ, ठीक है, दैट वाज लाइक डेड मूवी, मतलब क्रेजी किलर मूवी थी. तो अभी यहाँ पर सीन क्या है कि उन्होंने वो विजन दिया जो दिलजीत कह रहे थे कि उन्होंने कभी देखा ही नहीं ऐसा. ठीक है, तो यहाँ पर कास्ट आपको बता चुके हैं, म्यूजिक दिया है AR रहमान ने और लिरिक्स दिए हैं इशाक कामिल ने. इसकी प्रोडक्शन की अगर बात करें तो मोहित चौधरी की प्रोडक्शन एंड सिलेक्ट मीडिया होल्डिंग्स, और भी बहुत सारे लोग हैं बाकी एजेंसीज हैं. 2:37 seconds, लेट्स जंप टू दिस ट्रेलर दैट वुड बी ओनली रिलीज ऑन नेटफ्लिक्स. हां, एंड ऑल द क्रेडिट गोज टू नेटफ्लिक्स. वन टू थ्री प्ले. छत पक्षियां रंगा दी चमकीला, एल्विस ऑफ पंजाब, जो दुनिया भर में अपने गंदे और अश्लील गीतों के लिए जाना जाता है. और आपको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा क्यों. मैं बताता हूँ जी, भाई जराबे बनाता हूँ कारखाने में, जबकि दिन रात मेरे दिमाग में संगीत चल रहा होता है और मैं जराबे बना रहा होता हूँ. तू है कौन है. आज कुछ नहीं हो जी, पर कल हो जाएगा. हाँ, इश्क मिटाए हाय हाय, निमाए मेरा इश्क मिटाए. अमर सिंह चमकीला. मेरा नाम ही गलत बोल दिया, मैंने संदीला बोला था. ओ तो जाना है यार, कल को कौन तेरा नाम याद रखने वाला है. जा कई दादी तलाशी रहनी नहीं, बापू साडा गुम हो गया. एक बात तो पता है मुझे कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, उन्हें किस चीज में मजा आता है, और वो मैं कर सकता हूँ. उनका नाम संगीला था, मतलब मुझे नहीं पता था. नहीं नहीं, he wanted a stage name as संगीला, और उनका नाम लेके चमकीला. ठीक है, एक और चीज थी यहाँ पर, ही न्यू व्हाट एक्चुअली द ऑडियंस वांट. यस, तो तुम्हें ना एक चीज अंडरस्टैंड करनी होगी, देयर आर टू टाइप ऑफ क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल क्रिएटर्स, वो मूवी या कुछ भी बना रहे हैं. एक जो खुद वो बनाना चाहते हैं, एक ऑडियंस इंटरेस्टेड नहीं होती, एक वो जो वो बनाते हैं जिसको ऑडियंस चाहती है. तो दिस इज व्हाट चमकीला लर्न्ड एंड ही सेड दैट कि यार जो लोग सुनना चाहते हैं ना, मैं वो बना सकता हूं. चाहते हैं मैं किस चीज में मजा आता है, और वो मैं कर सकता हूं. साजी को लड़की चाहिए होती थी ना, मतलब अखाड़ों में गाने के लिए. आपने को गीत सुना मेरा? सुना है जी. और अब वो हुआ, दोनों ने मिलकर बहुत से हल्के गाने गाए, जोड़ी हिट हो गई. आप जो कह रहे थे ना, वो अब हुआ. वो तो मेरे दामलंग था गरीबों के, वो संग मजलूम का मसीहा, उच्चे लोग से वो तक झूठा से उसकी ही कटिया, झूठे जग से तू उसकी ही कटिया. तेरे के चुप के सुनेंगे, सुन सुन के हंसेंगे, हंस हंस के मरेंगे. सुन सारे चमकीला देसियों की रंग लीला, पूछने में माने कोई ना. की कलाकार महान है, लेकिन तू अपना है चमकीले. एक बहुत रहा है साला, ऐसी बातें लिखता है मर्दों के बारे में. जी रोकता क्यों नहीं उसे? मारा चमकीलिया, मारा. वार्निंग देने बुलाया मैंने तुझे. तू बहुत गंदे गाने गाता है चमकीला. ये बंदूक वाले का तो काम है गोली चलाना, तो ये चलाएंगे. हम गाने बजाने वाले, हमारा काम है गीत गाना, तुम गाएंगे. मुझे अपने आप को ना बड़े पर्दे में देखने का बड़ा शौक है. पहले तो मैं हीरो ही बनना चाहता था. अच्छा, मैं भी.
सारे पंजाबी यही चाहते हैं। ओके कोई मुझसे पूछे ना मैं क्या बनना चाहती थी, मैं सिंगर बनना चाहती थी। और मुझे याद है मेरे घर में टेप रिकॉर्डर होता था ना, उसमें उल्टी सीडी पिला के मैंने बहुत गाने रिकॉर्ड करे, कभी रिलीज नहीं करे। आ जाओ वापस आ जाओ यार, होता है निखिल वाइब सेट हो जाती है अगर कुछ ट्रेलर आप ऐसा देखते हो तो। आ जाओ वापस आप, आपको महसूस करवाया गया, मैं उसके लिए तहे दिल से माफी मांगता हूं। टाटा। ओके कमिंग बैक, it is I'm not sure it would be on the exact lines but everyone has a different version of chamkila theek hai har bande ne unko na alag nazar se dekha, there were people who liked it and there were people who called him vulgar because he was talking profanity in his songs theek hai, matlab aisa bhi nahi agar wo is time pe hote he would have run it out, that was very aur moreover accepted by people aur moreover wo kafi regional the kyunki wo punjab ke interiors mein the jahan par na commercialization nahi tha utna us time pe, जितना वो कमर्शियल हो सके वो होगा क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था, तो उसकी वजह से ना देयर वाज लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड स्टॉपिंग हिज वे, तो उस तरीके से देयर वाज सर्टेन इंस्टेंसेस दैट हैपेंड एंड ही वाज असैसिनेटेड एट द एज ऑफ 27 यस ओके दिस एज इज अ वेरी बैड एज आई थिंक दिस 27 20 देयर हैव बीन लॉट ऑफ पीपल यू नो हूम आई एम टॉकिंग अबाउट स्काई एट द बैक ओके दिस इज अमर सिंह चमकीला 12 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पे प्लीज सब्सक्रिप्शन लेके देखिएगा, डू नॉट इट्स जस्ट 199 रुपीज पर मंथ और जैसे भी आप करना चाहते हैं यू डू इट बट जस्ट पे इट टू द क्रिएटर्स क्योंकि वो मेहनत करते हैं, दे वांट द मनी बैक एंड आई थिंक नेटफ्लिक्स का पूरा मॉडल ही वही है सब्सक्रिप्शन बेस्ड का। ओके वी गोना रैप अप हियर गाइस, दिस इज अ सॉरी टीवी एंड वी गोना सी यू सम अदर टाइम। यस एडियोस एडियोस लेडीज एंड जेंटलमैन।